Ambe Phyto Extracts Private Limited presents Highlander Awards 2020, powered by Damodar Hari Foundation. Highlander Society, हम सुबह बड़ा बोना चाहें कि पुरस्कार 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 भाई कुछ ही नो लोग वास्तव में अब आप जान ला कि कुछ ही नो लोग और सबसे पहलू क्षेत्र पुरस्कार को हम चुनना चाहें जो बहुत जरूरी है आज के समय में शिक्षा Ambe Phyto Extracts Private Limited presents Highlander Awards 2020, powered by Damodar Hari Foundation. शिक्षा के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए 20वीं शताब्दी के 80 के दशक में जब उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों की उपस्थिति न के बराबर थी तब 1978 में ग्राम म्यकोटी पट्टी तल्ला नागपुर जनपद चमोली की एक महिला ने गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के मुख्यालय लैंसडॉन को अपनी कर्मस्थली बनाया और सैनिकों के तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का सपना संजोया। उपलब्ध सीमित संसाधनों से उन्होंने गढ़वाल राइफल्स द्वारा दी गई अनुदान राशि से अपने कुछ मित्रों के साथ अपनी इस परिकल्पना को पूरा किया और एक छोटे से कमरे में 15 बच्चों के साथ टिथवाल पब्लिक स्कूल की स्थापना करके नर्सरी क्लासेस चलानी आरंभ की। धीरे धीरे इस सैनिक छावनी में स्कूल के अच्छे प्रदर्शन से प्रभावित होकर गढ़वाल राइफल के अफसरों ने उस स्कूल में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी और उनके इस कार्य को सराहते हुए अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। स्कूल के अच्छे अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन से 1993 में प्राथमिक विद्यालय ने माध्यमिक विद्यालय का रूप ले लिया और इस तरह ये विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल के रूप में जाना जाने लगा। आर्मी पब्लिक स्कूल को 1996 में CBSE से एफिलिएशन मिल गया। धीरे धीरे ये विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र लैंसडाउन में इस स्कूल में 500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ने लगे और अपने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन से इसने आसपास के नामी विद्यालयों को भी काफी पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस शिक्षिका और इनकी टीम का उद्देश्य केवल सैनिकों के बच्चों को ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में शिक्षित करना था। शिक्षिका के साहसिक प्रयास से इस स्कूल में स्थानीय ग्रामीणों के बच्चे भी पढ़ने लगे। आज भी 40% से ज्यादा छात्र आसपास के गांव से ही हैं। इस विद्यालय ने जहां अपने छात्रों को वीर सैनिक चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर इंजीनियर इत्यादि बनने के लिए मजबूत आधार दिया वहीं अन्य क्षेत्रों में भी अपने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड इंडिया अनुकृति गुसाई भी इसी विद्यालय की देन हैं। 36 वर्षों के अपने संघर्षपूर्ण सफर में अपना पूरा जीवन छात्रों को समर्पित करने तथा अपने अथक प्रयासों से विद्यालय को बुलंदियों तक पहुंचाने हेतु हाईलैंडर फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य व उत्कृष्ट योगदान के लिए हाईलैंडर अवार्ड्स 2020 से सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें सुश्री वसुंधरा माया कोटी। जोरदार